चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ में जो 1930 के टाइमिंग में असहयोग आंदोलन जब चल रहा था भारत में, उसी टाइमिंग ही हम लोग के छत्तीसगढ़ में भी असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसी टाइमिंग ही क्या करना है, हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जंगल झाड़ी क्षेत्र था हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ क्या हुआ, जंगल में जो आदिवासियों द्वारा क्या आंदोलन किया गया, जैसे कि धमतरी उमतरी हो गया, बालोद हो गया, बालोद या ना कोरबा से हो गया, सारंगढ़ राजनांदगांव से, ऐसे ऐसे क्षेत्रों से क्या हुए, जंगल विद्रोह हुए सभी ने अवज्ञा टाइम में। तो इन लोगों को क्यों मतलब जंगल सत्याग्रह हुआ, अब इसका थोड़ा बता देता हूँ। तो छोटे छोटे लेवल में हुआ था, मतलब ये क्षेत्रीय था, मतलब ऐसे बड़े रूप में नहीं था, एक किसी क्षेत्र में उसके जगह में इलाके में ऐसा ऐसा मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो उनकी जो क्रूरता थी उसके खिलाफ इन्होंने कदम उठाया था। तो इसमें क्या करते थे, तो जंग वनवासी होते जो आदिवासियों को जो अंग्रेज लोग क्या करते, क्या नहीं करने देते थे, मतलब उपयोग नहीं करने देते जंगल का कोई भी सामग्री, या फिर उसको जो लकड़ी उकड़ी को इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको सब, और जो पशुओं को चराई उराई सब प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें किसमें बोला हूँ, एक तो लकड़ी उकड़ी उपयोग करने के लिए उसको मना कर रहे थे, चराई उराई में भी मना कर रहे थे, और उपभोग करने में किसी और भी जो आयुर्वेदिक दवाई वाई वो सब कुछ चीज़ मतलब उनको मतलब हर चीज़ से प्रकार से मतलब प्रतिबंधित किया जा रहा था। तो इसी कानून से उन लोगों का मतलब उद्देश्य था कि मतलब इन लोगों के यहाँ इस क्षेत्र से भगाया जाए। तो फिर अब धीरे धीरे जो बताऊंगा लाइन से जो जो आंदोलन हुए 1930 से फिर चालू हुआ जंगल सत्याग्रह, हर माह में अलग अलग कुछ ना कुछ हुआ है और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा। चलिए बताता हूँ, इसमें लिखते चलता हूँ। तो एक तो गट्टा सिल्ली, इसको याद रखना, एक क्रम से ये एक क्रम के रूप में होता है, फिर डिटेल में ही बता सकते हैं इसका। गट्टा सिल्ली क्या था, विद्रोह था, जंगल सत्याग्रह था। ये 1900 जून में हुआ, 1930 में, याद रखना, जून से चालू करना है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे जाना है। ये था धमतरी में आपका, धमतरी आपको जगह है जिला में। इन लोग नेता कौन थे, तो नेता में आपका नारायण, तीन लोग थे शामिल इसमें नेता में, बाबा छोटे लाल था, नथुरी जगताप था, नारायण राव मेधा वाले, और बाबू छोटेलाल, तीन लोग थे इसके बाद हैं, तीन लोग नेता शामिल थे इसमें। कौन कौन से बताया, नथु जी, नथु थे, और एक छोटेलाल था, छोटेलाल था, और एक कौन था भैया हमारा, नारायण मेधा वाले, इसको याद रखना ये पहला। फिर दूसरा याद रखना मोहबना पूरी, मोहबना, इसका डेट भी याद रखना, पूछता है पेपर डेट कब हुआ था। ये पूणी, ये आपका कहाँ है, बालोद जिला में, कहाँ है आपका, बालोद में हुआ, मोहबना पूणी आपका बालोद में है, ये दोनों ही चीज़ याद रखना। ये जुलाई में हुआ था, 24 जुलाई, जुलाई याद रखना 1930 में, एक जून में हुआ, एक जुलाई में, जून जुलाई अगले महीने जस्ट। अब इसका जो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल था, नरसिंह अग्रवाल था जो, अग्रवाल सभी जान रहोगे, दो बालो दुलो क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, तो बेसिकली उन्हीं से आइडिया लग जाएगा, मतलब नरसिंह अग्रवाल इसमें संबंधित, मोहबना पूरी से। एक घूंगा डी याद रखना, क्या घूंगा डी नाम का, इसमें ये भी जुलाई में हुआ था, जुलाई में घूंगा डी नाम से, इसको भी याद रखना आप लोग। अब इसमें देखो जो है, एक चार पांच लोग नाम थे इसमें, पंचम नाम था लटी संसारी, अजीत नाम का था एक मुकुंदा, कौन कौन सा नाम था, मुकुंदा, अजीत और लटी और संसारी, ये क्या है, सभी इसमें सम्मिलित थे, इसमें याद रखना, जुलाई में हुआ था, चौथे नंबर में याद रखना। इसमें जो रुद्री नवा गांव अगला है, रुद्री नवा गांव में हुआ था एक, इसमें हुआ रुद्री नवा, ये 22 अगस्त हुआ है, जुलाई के बाद ये दो दो जगह जुलाई में हुआ, फिर अगस्त में याद रखना है, अगस्त, ये भी 1930 ही में है, आगे पीछे नहीं होगा, सब 1930 के अंतर्गत ही होगा। ये रुद्री नवा का आपका धमतरी, कहाँ है, धमतरी में, इसका जो नेता था, चार चार लोग शामिल थे इसमें, सॉरी तीन लोग इसमें भी, जो छोटे लाल सेम जो ये वाले तीन नेता थे ना, सेम इसमें भी शामिल होंगे, क्योंकि ये भी धमतरी था और सेम धमतरी ये भी है, तो इनमें तीन नेता इसमें भी शामिल थे, ये जो नथु है ये सब इसी में, तीनों इसमें आएंगे, नथु, छोटेलाल
नारायण राव, ये तीनों के हम तीनों फिर शामिल होंगे, ठीक है, इसको याद रखना। 22 अगस्त को हुआ रुद्री नवागा, एक 5 में याद रखनी, बेमेतरा याद रखना, क्या हो गया इसमें बेमेतरा हो गया, आपका 2 सितंबर को चालू हुआ, सितंबर अगस्त से अब समाप्त हो गया, 22 तारीख हो गया, अब डायरेक्ट अगले महीने में आना सितंबर में, सितंबर 1930 में आप आइएगा तो इसमें पता चलेगा, अब देखो बेमेतरा इसमें आएगा, बेमेतरा तहसील, क्योंकि उस टाइम में बेमेतरा तहसील था, इसमें इसका नेता था विश्वनाथ, विश्वनाथ तामस्कर, इसको याद रखना, बेमेतरा का बेमेतरा तहसील विश्वनाथ तामस्कर, 2 सितंबर के, छठवा में याद रखना, लबरा, लबरा जगह का नाम है, एक था तमोरा, अब इसका मैं डिटेल बताऊंगा, अभी सुन लो इसको, मैं थोड़ा इसमें डिस्कस अभी थोड़ा ओवर भी दे देता हूँ तो थोड़ा याद रहेगा, 2 तारीख को याद रखना, फिर 8 सितंबर, फिर 2 8, फिर 9 सितंबर, इसको पेपर में पढ़ चुका है, इसको कई बार हो गए हैं, इसको भी अभी याद रखना, ये दोनों कहाँ है, महासमुंद में, महासमुंद में है दोनों, ये भी दोनों हैं, एक ये अरिमर्दन, लबरा का मतलब अरिमर्दन, इसको याद रखना, अरिमर्दन गिरी नेता थे उसका, इसका जो नेता था ये तमोरा का आपका, यति अतना, तीन लोग थे इसमें भी याद रखना, और 4 लोग भगवती प्रसाद भी था, तो 4 लोग ऐसे बांट देता हूँ इसमें, यति यतन लाल, यतन लाल ये रायपुर से थे, इसको याद रखना, और एक यति यतन लाल जय, शंकर राव, शंकर राव घनौद, घनौद वाले, इसको याद रखना, 2 लोग थे, सॉरी 3 ही लोग थे इसमें, ये आपका भगवती प्रसाद, कौन थे भैया, भगवती प्रसाद, इसको याद रखना, तो देखिए इसमें शामिल हो गए, 8वें नंबर में, देखिए इसमें, चलिए बताता हूँ, लबरा हो गया, तमोरा हो गया, फिर आपका पूरी गांव, पूरी गांव ये कहाँ है, सीपत, सीपत वाला एरिया, सीपत बिलासपुर, सीपत के पास स्थित है पूरी गांव, वही वाला है, ये बिलासपुर में है, कहाँ है जी, बिलासपुर में, इसको याद रखना, अभी सितंबर हो गया, अब डायरेक्ट ये अगले महीने अक्टूबर, 1 अक्टूबर, ये 1930 में, इसको याद रखना, ठीक है, रामाधर दुबे, रामाधर कहाँ है भैया, दुबे, इसको याद रखना, 9वें नंबर में याद रखना, पकड़िया, पौड़ी गांव के बाद जस्ट पकड़िया, ये भी अक्टूबर में हुआ था, ये 1930 में ये भी हुआ था, ये आपका पकड़िया जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा में उपस्थित था, इसके जो अयोध्या प्रसाद है, अयोध्या प्रसाद क्या थे भैया, क्या थे, अयोध्या प्रसाद जैन, इसके नेता थे, 10वें नंबर में, देखिए इसमें, पकड़िया के बाद ईदगाह, ईदागार, ईदा खार, ईदा खार 1930 में, 1930 में याद रखना, ईदा खार 1930, ये क्या है, बिलासपुर में, तो इसमें कौन, सत्यनारायण खंडेलवाल थे, रामनारायण थे, अमर सिंह, केशव प्रसाद वर्मा थे, पहला देखो सत्यनारायण था, पहला कौन था, सत्यनारायण खंडेलवाल, रामनारायण, अमर सिंह, केशव प्रसाद वर्मा, ऐसा भी शामिल थे, इसको याद रखना, हर चीज को नहीं लिख पाऊंगा मैं, 4 लोग इसमें शामिल थे, 4 5 लोग, अमर सिंह भी था, केशव भी था, राम भी था, खंडेल भी था, सत्यनारायण भी था, ईदा खार में बिलासपुर में हुआ था, जगह का जगह भी याद रखना, बिलासपुर में एक है बांदा खार, कौन है जी, बांदा खार 1930 में, ये कहाँ है, कोरबा में, देखिए कहाँ है आपका, कोरबा में, मनोहर लाल शुक्ल, मनोहर लाल शुक्ल, इसको देखिए इसमें, ठीक है, ये कोरबा में, इसको याद रखना, 12वां नंबर में, देखिए तानवट, तानवट जगह का नाम है एक, ये सब 1930 में, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नवापारा में हुआ था, ये नवापारा मेरे ख्याल से बेमेतरा में है, ये देखना इसका डेट उट कहाँ है, ये आपका जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों द्वारा इसका हुआ, जो भी मतलब इन लोगों विद्रोह हुआ तानवट में, नवापारा में है, इसको याद ना, अब ये सारंगढ़,
सारंगढ़ 1930 में, ठीक है। सारंगढ़ ये सारंगढ़ में अभी सारंगढ़ जिला बन गया, अभी सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो इसका धनी राम था, धनी राम जगत राम। कौन था भैया? धनी राम जगत राम, दो लोग शामिल थे इसमें। एक था हमारा भैया छुई खदान। कौन था छुई खदान 1930 में? छुई खदान 1938 में आ रहे, 30 तक ये समाप्त हुए सारंगढ़ था। इसमें ये राजनांदगांव में है छुई खदान, जहाँ रहे राजनांदगांव समारू बरही, समारू बरही पर है, ठीक है। एक है 15 में आपका बदरा टोला, बदरा टोला ये आपका 1939 जनवरी राजनांदगांव। कहाँ था भैया? राजनांदगांव रामधीम गोल। रामधीन गौर थे। अब चलिए एक बार बता देता हूँ, फिर इसका थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, बोल के बताऊंगा, हर चीज़ नहीं लिखूंगा मैं। घट्टाशिली जून 1930 में चालू हुआ, धमतरी जिला, है ना। तीन नेता थे, नथुरी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेधावाले, ठीक। मोहबना पौड़ी जुलाई में हुआ, 24 जुलाई 1930। बालोद में है, कहाँ है? बालोद में है मोहबना। मोहब्बत कहाँ हुआ? जुलाई में हुआ। नरसिंह अग्रवाल, इसके एक ही जानता है, एक घोगाडी था, घोंगाडी था, जुलाई में हुआ। ये आपका ये बालोद में ही शायद घोंगाडी, ये इसका नेता थे। मुकुंदा, अजीत, लाड़ी, लाटी और संसारी, इसके याद है। रुदीनवा गाँव था, 22 अगस्त को हुआ था, धमतरी, रुदीनवा गाँव धमतरी में था। तीन नेता थे, नथु जी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेधा। जो तीन यहाँ नेता थे ये इसमें भी शामिल थे रुदीनवा गाँव में, क्योंकि धमतरी में जो जो हुए थे वो सेम नेता शामिल थे। एक बेमेतरा में देखिए, 2 सितंबर को हुआ 1930 में, बेमेतरा तहसील, विश्वनाथ प्रदा। कौन थे विश्वनाथ? ये तामस्कर थे, तामस्कर, विश्वनाथ तामस्कर बेमेतरा से। इसको 2 सितंबर को हुआ। रुद्री अगस्त में, गुस्सा मतलब उसको अगस्त में, ऐसे याद रखना। लबरा 8 सितंबर को, तो महासमुंद में है। तमोरा आपका कहाँ है? तमोरा का नाम नहीं लिखा, ये दोनों महासमुंद में, ये भी महासमुंद, दोनों महा। 8 को ये हुआ लबरा, 9 सितंबर को ये। इसका जो लबरा, मर्द लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं तो अरी मर्दन। तमोरा में तमाचा की, यति अतन ला शंकर ला घनौत भगवती प्रसाद, यति अतन ला शंकर ला घनौत, तीन तीन लोग शामिल थे, लाल, घनौत, शंकर भी था और भगवती भी था। पूणी गांव 1 अक्टूबर को हुआ, बिलासपुर में, रामाधर दुबे द्वारा किया गया था। पकड़िया 1 अक्टूबर में हुआ था, ये भी ये जंजगीर चांपा में है, अयोध्या प्रसाद इसके नेता थे। ये ईदा खार बिलासपुर में हुआ था 1930 में, इसमें सत्यनारायण थे, सत्यनारायण थे, खंडेलवार थे, और एक अमर सिंह था, अमर सिंह था, केशव प्रसाद था, केशव प्रसाद, अमर सिंह, खंडेलवार और ये आपका सत्यनारायण, इसको याद रखना। बांदा खार में था 1930 में, कोरबा में मनोहर लाल शुक्ल, मनोहर लाल शुक्ल बांदा खार में, कोरबा में है मनोहर लाल शुक्ल जी थे। तानवर, तानवर कहाँ है? नवापारा में, स्थानीय लोगों द्वारा इसका विद्रोह किया गया, जंगल सत्याग्रह। सारंगढ़ 1930 में, सारंगढ़ धनी राम जगत राम, दो राम थे, एक तो वो धनी था और जगत में भी वो प्राप्त था, इसके अलावा छुई खदान था 1938। ये कहाँ है भैया? राजनांदगांव में। कहाँ है? राजनांदगांव में, समारू बरही और एक बदरा टोला, 1939 राजनांदगांव। ये कौन था? रामाधीन गौड़। तो बदरा टोला इसको याद रखना, ये जनवरी 1939 में राजनांदगांव, ये आपका उसके अधीन नहीं था ना ये, इसको दो क्षेत्र को आप हटाइए, जो अशोक आंदा है, सॉरी असविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइमिंग कहीं नहीं था 1938 से 1939। चलो अब आगे इसमें, तो चलो बताता हूँ इसमें क्या। तो ये छत्तीसगढ़ में फिर जंगल सत्याग्रह हुआ, क्या हुआ? तो जंगल सत्याग्रह को देखो, अभी हम लोग एक तो अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइमिंग का मैं बताया 1930 में, ये 1930 का, अभी यह 1920 का असहयोग आंदोलन के टाइम। अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में जो विद्रोह नहीं हुआ, जो जंगल सत्याग्रह नहीं हुआ, उसको मैं लिख देता हूँ। तो दो सत्याग्रह मतलब जो इसमें बताया हूँ इसमें का, एक तो छुई खदान, पहला नंबर का छुई खदान, एक है बदरा टोला।
छुई खदान और बदरा टोला, ये दो दो जगह ऐसे थे जो मतलब हमारे जो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 का, तो उस टाइमिंग में ये हुआ नहीं था, मतलब उसके बाद हुआ था, तो इसको उसमें जोड़ना मत, लिंक मत करना। ये देखिए इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ उस टाइमिंग में, मैं बताया हूँ कौन कौन सा, जो गट्टा सिल्ली आएगा मोहबना पूरी, ये तो गट्टा सिल्ली जो लिख दे आप लोग देख लेना, चेक कर लेना, मोहबना पूरी, एक आपका रुद्री नवागा हुआ था, एक लबरा, एक तमोरा, एक पकड़िया, एक बांदा खा, ये सभी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइमिंग हुए थे, बाकी यहाँ हम लोग के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पहला था उसके टाइमिंग में हुआ ही नहीं है। ये गट्टा सिल्ली, ये मोहबना पूरी, ये आपका रुद्री नवागांव, ये लबरा, ये तमोरा, ये आपका जो है पकड़िया, पकड़िया का है आपका बांदा खार, ये कटघोरा, बांदा खार का है कटघोरा के कोरबा में, कोरबा के अंदर गए थे कटघोरा, जान रहे हो गए तो बांदा खार, तमोरा हो गया, लबरा हो गया, रुद्री, और ये पकड़िया, पकड़िया ये आपका जांजगीर चापा में है, कहाँ है आपका जांजगीर चापा में, इसको याद रखिए आप लोग। अब असहयोग आंदोलन को चलो बताता हूँ इसमें, तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, एक तो 22 तारीख को 21 जनवरी 1922 के आसपास में, जब ये समाप्ति की कगार पर था असहयोग आंदोलन, उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम में नहरी सिवावा जंगल सत्र का हुआ, नहरी सिवावा जंगल सत्र का हुआ, ये देखो इसमें का, तो इतना काफी है, अब मैं इसके डिटेल में बता देता हूँ, जो जो मतलब ये ओवरव्यू था इसी, अब बोलूंगा इसमें जो हर चीज लिख नहीं पाऊंगा इसमें मैं, ठीक है, क्योंकि उतना सारा चीज बताना पड़ता है। चलो तो पहला था हमारा जो इसमें देखो गट्टा सिल्ली, जून 1930 में इसमें क्या हुआ, धमतरी में इसको चलाया गया, इसके नेताओं तक बता दिया हूँ, तीन नेता थे, नारायण रमेधा वाले, छोटेला श्रीवास्तव और नाथुरी चकता, ठीक है, इसके बाद में धमतरी के अंतर्गत में हुआ जो जंगल सत्र गया, वहाँ एक जगह का नाम था गट्टा सिल्ली, उसके इनके जो नेता के मतलब उनके इन नेता के समर्थन में ही इसको संपादित किया गया। फिर आपका है मोहबना पूरी, ये 24 जुलाई को हुआ था 1930 में, ये कहाँ था, बालोद से हुआ था, बालोद के पूर्व में जो दुर्ग जिला का पहले हिस्सा था, दुर्ग जिले का हिस्सा था जो बालोद का भी पूर्वी इलाका है ना, और दुर्ग का पहले क्षेत्र का हिस्सा था, वही मोहबना पूरी है, तो इसका जो नेतृत्व करना नरसिंह प्रसाद अग्रवाल द्वारा क्या किया था, नेता थे वही, तो ये अब इसको काहे लाया गया था, इसने क्यों मतलब इसको मोहबना पूरी क्यों किया गया, मतलब तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया था, एक जुलूस निकाला गया था, तो इन लोग क्या करते थे, नारे वारे लगा रहे थे, जुलूस उस निकाले थे इसी टाइम में मोहबना पोड़ी में ही जगह में, ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किए थे इन लोग, एक जुलूस निकाला था, और जुलूस निकाले थे तो बिना नारे के जुलूस थोड़ी होगा, नारे उरे लगाने का कार्य करे थे इन लोग, तो इन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के, ठीक है, उनके शोषण का नीति उती अच्छी नहीं है, वो नहीं है, प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा वैसा करके ये लोग क्या नारे उरे लगाना चालू कर रहे थे। अरे घोंघाडी है, जुलाई में 1930 में ही ये हुआ था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मत पढ़िए, छोड़ भी देंगे चल जाएगा, मुकुंदा अजीत लाठी और संसारी, इसके जो लटी संसारी और इसके क्या है नेता थे। अब भैया रुद्री नवागांव में, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट याद रखना, 22 अगस्त 1930 को धमतरी में हुआ था, इसमें जो तीन नेता थे मैं बताया था, वो तीन नेता इसमें शामिल थे, या नत्थूजी छोटेलाल और नारायण राव मेधा वाले। अब इसमें हुआ क्या था, रुद्री नवा जो जंगल है, रुद्री नवा गांव का जंगल था, तो पुलिस ने क्या किया, वहाँ लाठीचार्ज कर दिया और गोली चलाने मतलब वहाँ के आदमियों पर क्या गोली चलाना और लाठी मतलब बरसाने चालू कर दी, और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक व्यक्ति था सिंधु नाम का, एक रलू नाम का, और दोनों की क्या हुआ, मृत्यु हो गई, सिंधु और रलू, कौन कौन सा, सिंधु और रलू नाम के दो व्यक्तियाँ थे, वो दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई इसी टाइमिंग में,
अब इसी के चक्कर में अब इन लोग का वो चलने लगा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह। अब नत्थू जी जगताप और नारायण राव मेथा वाले को दोनों को इस टाइमिंग में गिरफ्तार कर लिया। कौन किसने किया? अंग्रेजों ने। उस टाइम में जो पुलिस था उस टाइम का पुलिस अधिकारी था, इन दोनों को क्या के लिए गिरफ्तार कर लिया। दो लोग छोटे लाल नहीं गिरफ्तार हुए थे, वो बाद में गए। सिंधु को मार मारा गया और रलू भी मृत्यु हो गई। उसका जो लाठी उठी जो डंडे उंडे से मारना चालू किया और गोली भी लग गई, तो दो लोग की मृत्यु हो गई। जंगल जब सत्याग्रह कर रहे थे तो इसको याद रखना। और उनको नेता को पकड़ के चुपचाप उसमें जेल में भर दिया। ठीक है, अब बेमेतरा में देखो। बेमेतरा 2 सितंबर 1930 में जब हुआ था, बेमेतरा तहसील, बेमेतरा के तहसील क्षेत्र में एक नेता थे विश्वनाथ ताम्रस्कर। तो उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ जो यहाँ का जंगल था जो तहसील का, तो वहाँ क्या हुआ था? वही मतलब हुआ था भैया जंगल सत्याग्रह। विश्वनाथ जी उसके नेता थे। ये सब अंग्रेजों के जो पुलिस वुलिस के द्वारा फिर इनको रोका जा रहा था, उन्हीं के खिलाफ था। तो 2 सितंबर को याद रखना। लबरा में था भैया 8 सितंबर, महासमुंद। लबरा जगह का नाम है, ये महासमुंद एरिया में है। महासमुंद इसको इसका जो नेता थे नेतृत्व करता थे हरि मर्दनगिरी थे। अब इसके कई सारे सहयोगी भी थे, है ना। अब ये पूरा जो जंगल सत्याग्रह था ना, जो लबरा का जंगल से पूरा गौण आदिवासी थे, पूरा गौण लोग की जनजाति द्वारा क्या किया गया था? जंगल सत्याग्रह किया था। पूरा गौण लोग वहाँ उपस्थित थे। अब इन्हीं गौण लोग का मैं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि उन्हीं लोग का निवास क्षेत्र था। अब इन लोग बीच उच में दखल अंदाजी करते थे अंग्रेज लोग, तो इन लोग को गुस्सा आता था। तो बार बार उन लोग को और उन लोग को उपयोग करने नहीं देते जो जंगल का सामग्री उपयोग। उन लोग कहाँ से मतलब जीवन यापन करेंगे उस टाइमिंग? वही जंगल इन लोग जीवन यापन करने के लिए मतलब कुछ साधन नहीं था, उसी पर निर्भर थे। तो इन लोग का गुस्सा भड़का और फिर विद्रोह चालू कर दिया। ठीक है, इसको याद रखना। तमोरा 9 सितंबर को हुआ था 1930 में। महासमुंद स्थान था, जगह का नाम महासमुंद के अंतर्गत में हुआ था। इसमें देखो नेतृत्व करता थे तीन लोग शामिल थे, जो है यतिरतन लाल जैन थे, शंकर लाल भनोद्वाल, एक भगवती प्रसाद थे। तीन लोग इसमें शामिल थे। और जो डिक्टेटर नियुक्त हुआ था जंगल सत्याग्रह था, डिक्टेटर नियुक्त हुआ था हरि मर्दनगिरी नाम का व्यक्ति था, जो अभी लबरा का जो क्या नाम था, लबरा जगह का नाम क्या, जंगल सत्याग्रह जो नेतृत्व कर रहा था वही था। तमोरा जंगल सत्याग्रह में इसको क्या डिक्टेटर नियुक्त किया था? मतलब क्या, अगर इन लोग की गिरफ्तारी होती तो ये अगला व्यक्ति जो रखा गया था ना, जो एस्ट्रो आदमी, वही फिर इनका नेतृत्व करता। ऐसे मतलब बनाए थे इन लोग। अगर मान लो इन तीनों में से कोई कोई गिरफ्तार होता ना, तो इन लोग ऐसा बना के रखे थे कि हरि मर्दन फिर उसकी क्या कर बनता मतलब संभालता इसको जो आंदोलन चल रहा था। अब इसी समय एक याद रखना, इसको पेपर में पूछा गया। जो बालिका दयावती थी एक नाम की लड़की थी, बालिका दयावती नाम की एक लड़की थी, उसने क्या किया? अब ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मार दिया था। इसी टाइमिंग में जंगल सत्र जब हुआ था, तो ब्रिटिश अधिकारी ने क्या किया को मतलब एक दयावती नाम की लड़की थी, उसने क्या किया? तमाचा मारा किसको? ब्रिटिश अधिकारी। अब वहाँ पूरा सन्नाटा छा गया था, है ना। तो फिर इसके नेता उता लोग जो थे, इन लोग ने फिर उनको बोला कि चलो बच्ची उच्ची है कह के उनको छोड़ो हटाओ बोल के सुलझा लिया मैटर को। ठीक है, अब पौड़ी गांव सीपत, सीपत में हुआ था 1 अक्टूबर 1930। अगला बता रहा हूँ, ये बिलासपुर में है। कहाँ है जी? बिलासपुर में। इसके नेता कौन थे? रामाधर दुबे द्वारा इसको नेतृत्व किया गया था। क्या बोल रहा हूँ? रामाधर दुबे द्वारा नेतृत्व किया गया था। अभी इसको लाया क्यों गया था? तो वही था, वही जंगली के आसपास के क्षेत्र थे, जन जागृति नहीं थी उतना, तो इसको लाने का वही कारण था। आदमी लोग का मतलब संघ बना के एक ना इन लोग विद्रोह करना चालू किया रामाधर दुबे के नेतृत्व में, पोड़ी गांव सीपत में, बिलासपुर में। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए अगला बता रहा हूँ, पकरिया। पकरिया जगह आपका जांजगीर चांपा में, 1 अक्टूबर 1930 में हुआ था इसका जो विद्रोह जो हुआ था, सत्याग्रह जो हुआ था। जांजगीर चांपा का एक गांव है पकरिया नाम का।
गोरेला पेंड्रा जो बोल रहे हो ना वो नहीं है, गोरेला पेंड्रा मरवाही का जो अलग, उसका अलग नाम है पकड़िया, जो बकरी उकरी प्रजनन उजन होता है उसमें नहीं आएगा। और जो जो अयोध्या प्रसाद जैन था इसका नेता था, तो प्रारंभ में ही ये क्या होने लगा, ये प्रारंभ करने से पहले ये गिरफ्तार हो गया। क्या बोल रहा हूँ, शुरुआत करने से पहले ये पकड़िया का विद्रोह करने से पहले इसे गिरफ्तार हो गया और सत्याग्रह फिर आगे बढ़ नहीं पाया, वहीं पर रुक गया। ठीक है, इसको याद रखना, ये पकड़िया जो है ये मतलब आगे नहीं बढ़ा जांजगीर चांपा का, क्योंकि वो उसका नेता को ही गिरफ्तार कर लिया, वो अयोध्या वो चालू नहीं कर पाया। चलिए आगे आगे बताता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊँगा, लंबा चौड़ा समय नहीं मेरे पास। इदाखार 1930 में, इदाखार 1930 बिलासपुर में, बिलासपुर में है, जगह को भी याद रखना, 1930 में भी हुआ था। अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ हुआ होगा हड़का मुड़का मचा होगा, लेकिन बहुत कम लेवल के वैल्यू है इसमें, पेपर में उतना आता नहीं, डेट बस याद रखना। इसमें जो एक दो लोग के याद रखना, सत्यनारायण थे, राम नारायण था, अमर सिंह और केशव। ठीक है, आप कौन थे, बांदा खार 1930 में आया कोरबा में, तो ये कहाँ है आपका बांदा खार, आपका कटघोरा के कोरबा में है, कटघोरा के कोरबा में स्थित है। इसके नेता कौन थे, मोहनलाल शुक्ल जी थे, और सहयोगी में कम से कम 3-4 लोग शामिल थे इसके। तो एक गया प्रसाद था, हेम सिंह था, एक इतवार सिंह था, हेम सिंह इतवार सिंह और गया प्रसाद, और ये पूरा जो नेतृत्व का था आदिवासियों द्वारा किया गया था, उन्हीं के द्वारा जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उन्हीं के द्वारा। तो इसमें कौन कौन शामिल था, देखो गोंड शामिल था, एक कंवर शामिल था, और इन्हीं दोनों की मिल कर क्या किया था, इन्हीं जो बांदा खार में जो हमारे कटघोरा है कोरबा जिला के, उसमें से इन्होंने विद्रोह चालू किया था, जंगल सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया, मनोहर लाल शुक्ल के द्वारा। एक तानवट था नवा पारा 1930 में, स्थानीय लोगों के द्वारा, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, तानवट नवा पारा, तो वहाँ के नवा पारा के जमींदारों ने क्या किया, अंग्रेजों के बहुत सब उसके सपोर्टिव में थे अंग्रेजों के, तो आसानी से इनका दमन हो गया, क्योंकि जमींदार ही के उसके खिलाफ मतलब वो नहीं था, साथ नहीं दे रहा था आदमी लोग का, तो अकेले इन लोग क्या करते, नेतृत्व करने वाला दम नहीं था ना, तो आसानी से इन लोग का दमन हो गया नवापारा में। ठीक है, इसको याद रखना, सारंगढ़ इसका हुआ था 1930 में, जो इसके नेता थे धनीराम जगत, और धनीराम और जगत राम एक कुंवर भान थे। तो अभी तो जान लो कि सारंगढ़ अभी क्या बन गया, आपके जिला बन गया है ना, सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक नया जिला बन गया, तो अभी उसी में आएंगे, उसी में क्षेत्र में आएंगे, तो वहीं अब विद्रोह जो कहलाएगा वहीं का कहलाएगा, जो भी जंगल सत्याग्रह हुआ था वहीं का हुआ। अब एक छुई खदान हुआ था 1938 में, अब छुई खदान कहाँ आपका, राजनांदगांव में, राजनांदगांव के एरिया के छुई खदान में कोई गया होगा तो जहाँ हो गए, तो वहाँ एक समारू बड़ी नाम का व्यक्ति था, तो वही शोषणकारी नीति अंग्रेजों की, जो वहाँ का जंगल का वो सामान उपयोग करने नहीं दे रहे थे, तो इनके द्वारा फिर क्या किया गया, छुई खदान में विद्रोह चालू किया गया। और इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन की टाइमिंग करनी है, इसको याद मतलब अलग रखना, इसको जो उसमें शामिल नहीं होगा, ये बदरा टोला ने जनवरी 1939 में राजनांदगांव में ही बदरा टोला, राजनांदगांव रामाधीन गोड़ के द्वारा, रामाधीन गोड़ नाम का व्यक्ति था बदरा टोला, और भी कहाँ, राजनांदगांव में। तो इसी समय क्या हुआ, जंगल सत्याग्रह हो गया हुआ, इसका नेता कौन था, रामाधीन गोड़, गोड़ का गोड़ निवासी था, गोड़ आदिवासी था, 1 जनवरी 1939 में हुआ था, 31 जनवरी 1939 को, इसको डेट याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना, अब ये जो छुई का नाम ये बदरा टोला हुआ था ना, ये आपका रियासत और जमींदारियों के जो स्टेट कांग्रेस था बना हुआ था, स्टेट कांग्रेस जो बना हुआ था उसके तहत हुआ था, रियासत बोल सकते हैं, जो आप जमींदारी बोल सकते हैं, उसके अधीन हुआ था, उस टाइम में उन्हीं का शासन था। ठीक है, चलिए हो गया इसमें का, अब कुछ नाम बता देता हूँ इसमें का, जैसे पुराने जो नाम थे रियासत के नाम बता देता हूँ, मैं क्या क्या रियासत के नाम थे इसमें, तो रियासत बोल देता हूँ आप लोग सुन लीजिए, इसमें
तो सरगुजा रियासत को उस टाइम क्या था, डंडोर नाम था, डंडोरा बोला जाता है सरगुजा रियासत को। कांकेर रियासत तो काकरा या कंकड़ा है, उनका क्या था रियासत का नाम था। बस्तर रियासत का नाम क्या था, दंडकारण्य या महाकांतर या भ्रमरवद्र या भ्रमरकोट। पूरा बस्तर का ही नाम था भ्रमरकोट या भ्रमरवद्र या महाकांतर या दंडकारण्य। क्या था बस्तर का नाम था, बस्तर रियासत का पहले का नाम था। अभी जो हम लोग वर्तमान नाम यूज इस्तेमाल करते हैं वो अलग है। भोपाल पट्टनम का पहले क्या नाम था, पुष्करी था। भोपाल पट्टनम का क्या नाम था, पहले पुष्करी था, क्योंकि भोपाल पट्टनम में क्या था, ये भी रियासत था, पुष्करी भी रियासत था। तो भोपाल पट्टनम में पहले क्या शासन चलता था, अभी जो कार्तिक थी उन लोग वंश का, उन लोग चालुक्य वंश था, उन लोग का शासन चलता था। एक कवर्धा रियासत जिसको पहले क्या बोलता था, बोला जाता था कवर्धा रियासत, पोड़ागढ़ तालुका। क्या नाम है, पोड़ागढ़ तालुका बोला जाता था, इसको याद रखना। अब राजनांदगांव को पहले नांदगांव बोला जाता था, अभी भी जाओगे राजनांदगांव जाओगे ना तो नांदगांव बोलते होंगे, क्योंकि नाम पहले से प्रचलित है ना, और राजनांदगांव बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और नांदगांव बोलने में थोड़ा आसानी होता है। तो उधर के जो रियासत थे, अभी मैं गया था तो उधर के व्यक्ति लोग क्या बोलते हैं, नांदगांव बोलते हैं उसको, आसानी पड़ता है, नांदगांव रियासत था। छुई खदान क्षेत्र ये भी आपका कहाँ है, राजनांदगांव में है, तो इसको छुई खदान अभी तो वर्तमान नाम है, पहले इसको कोड़का इलाका बोला जाता था। क्या नाम था, कोड़का इलाका इनका बोला जाता था, इसको याद रखना। अब एक है पंडरिया जमींदारी, जो पंडरिया जमींदारी या रियासत बोल सकते हैं। तो पंडरिया जो जो कहाँ है आपको, कवर्धा जिले में एक तहसील है पंडरिया। तो इसका पहले क्या नाम था, मुकुटपुर या प्रतापगढ़। क्या नाम था, प्रतापगढ़ बोलते थे या मुकुटपुर बोलते थे या मुक्तापुर, तीन नाम था, मुकुटपुर मुक्तापुर या प्रतापगढ़, इसको याद रखना। बिंद्रा नवागढ़ जमींदारी, बिंद्रा नवागढ़ जमींदारी को जो रियासत था उसको क्या बोलते थे, नवागढ़ बोलते थे, ठीक है, इसको याद रखना। बिंद्रा नवागढ़ मेरे ख्याल से अभी गरियाबंद जिला में। एक था मल्हार जिसको तलहारी बोला जाता, कलचुरी काल में मल्हार को क्या, जो अभी बिलासपुर में, तलहारी मंडल कलचुरी काल में। एक था सारंगढ़, सारंगढ़ आपका जो बोलते हैं सरहरा गढ़ जिसको बोला जाता था पहले, और या फिर सारंगपुर भी बोला जाता था। एक जूना शहर जो आपका रतनपुर में, इसको राजपुर बोला जाता था, ठीक है। एक धर्म जयगढ़ रपकोन, इसको रपको बोला जाता था। जो धर्म जयगढ़ आपका कहाँ है, आपका यहाँ रायगढ़ में है, उसको पहले रपकोन या रपको बोला जाता था। तो ये हो गया आपका रियासत के नाम, और पुराने जो मतलब प्राचीन नाम और एक वर्तमान नाम। चलिए।